नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। ये वीडियो, ये न्यूज़ खास तौर से भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रिकॉर्ड मशीन मिस्टर पवन सिंह साहब को लेकर बना रहे हैं, जिन्हें लेकर खबर ये है कि इस समय बनारस में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, दो चीज़ें साफ कर दें, सभी ने आकलन ये लगा रखा है कि हर हर गंगे फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद पवन सिंह किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं बनारस में। तो पहले तो आपको ये बता दें कि कोई ये नई फिल्म नहीं है, बल्कि पहले से ही बन रही एक फिल्म के कुछ पार्ट बचे हुए थे जिसकी शूटिंग अब बनारस में करके खत्म कर गई है। आप जानते हैं, महीनों पहले अभय सिन्हा जो प्रोड्यूसर हैं यशी फिल्म्स के, उनकी तरफ से कई फिल्मों की शूटिंग लंदन में हुई और कई सारे स्टार भोजपुरी सिनेमा के लंदन गए थे, जहाँ पर पवन सिंह जी भी गए थे। वहीं की एक फिल्म की कुछ पार्ट बचे हुए थे जो अब बनारस में शूट हुए हैं। इस फिल्म में पवन सिंह जी के अपोजिट स्मृति सिन्हा हैं और एक खास अहम किरदार में राघव नैयर भी हैं। देखिए, सबसे जो दूसरी बड़ी बात है मैं आपको बताने वाला था, ये कि भाई इस फिल्म के सेट से बनारस में जो शूटिंग हुई है उसके दो वीडियो एक्सक्लूसिव मेरे पास आए हैं। मेरे बगल वाले विंडो में पहला वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर पवन सिंह जी स्मृति सिन्हा के साथ एक हाईवे पर बातचीत करते हुए, हंसते हुए, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पवन सिंह स्मृति सिन्हा के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं हाईवे पर। ये बनारस का सीन शूट है जो एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास देसी भारत के पास आया। तो वहीं दूसरी तरफ एक ये दूसरा वीडियो भी अब आप मेरे बगल वाले विंडो में देख रहे हैं, जहां पर एक कार आती है, कार से राघव नैयर उतरते हैं और फिर डायलॉग डिलीवरी देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दो वीडियो बनारस से आई है। इस फिल्म का अभी तक नाम नहीं रखा गया है, टाइटल कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि प्रेमांशु सिंह इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। यशी फिल्म के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। कुल 13 फिल्मों की शूटिंग लंदन में हुई थी, जिसमें से एक फिल्म ये है जिसमें पवन सिंह के अपोजिट स्मृति सिन्हा हैं और राघव नैयर हैं, और दो ये वीडियो एक्सक्लूसिव देसी भारत के पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो का समापन कर रहे हैं, लेकिन अगला जो हमारा वीडियो आएगा ना दोस्तों, उसमें मैं आपको इस फिल्म की कहानी से रूबरू कराऊंगा जो कहीं ना कहीं रिवील हुई है। आप बने रहें देसी भारत के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।